कि हम जैसे सहज जीवन जी रहे हैं या सहज योग से जुड़कर हम जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल क्या आती है, सबसे बड़ी मतलब अड़चन क्या आती है, थोड़ा इस पे बात करते हैं, ठीक है? और आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे हम। हाँ बेटा बोल। राक्षस आते हैं। वैसे सही कह रहा। राक्षस आते हैं बीच में। राक्षस आ जाते हैं बीच में। राक्षस कैसे आते हैं? मतलब छोड़ने के लिए कहते हैं। छोड़ने के लिए कहते हैं। वाह भाई, सोच लो। बात तो सही है। भगाने के लिए कहते हैं। अच्छा, राक्षस आ जाते हैं तो अब हमें तो शिमाताजी से जुड़कर ध्यान में जाना ही है और ध्यान के प्रोग्राम में भी जाना है, तो हम कैसे उनको टैकल करें, उन राक्षसों को जो बीच में अड़ जाते हैं? इग्नोर करके कई बार वो रास्ता रोक खड़ो जाए, नहीं इस रास्ते जाने ही नहीं दूंगा, फिर क्या करें? कई बार ऐसा होता है राक्षस कहेगा दरवाजा तो एक ही है, इस दरवाजे से जाओगे तो जाने ही नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे? बहुत बढ़िया है। पर कई बार ऐसा होता है आपने छोड़ भी दिया और आपकी ट्रेन है, टाइम हो रहा है, वो राक्षस हट ही नहीं रहा है, फिर कोई रीजन होएगा आने नहीं दे रहा, फिर भी आपकी अंदर से चेतना ये कह रही है कि नहीं भाई, राक्षस की नहीं चलने देने के, हम तो शिवादी के बच्चे हैं, फिर क्या करेंगे? क्या कुछ हो रहा है कभी कहाँ पे जाने जाता है, वहाँ कुछ हो रहा होगा तो फिर आए कैसे वहाँ पे? हम तो जाना है, हमें तो कैसे भी जाना है, क्योंकि अंदर से आ रहा है कि जाओ, कितनी अड़चने आए, तो फिर क्या करें ऐसे में? अंदर से चिंतन करके बताओ। और आप में से कोई जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं ना, वो मुझे लगता है कि हमें गहनता ही देगी, वो तो ठीक है, नहीं गहनता तो आ जाएगी नो डाउट, पर हमें तो जाना तो है ही ना, तो क्या करें? तो लास्ट में मारना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सही है, अंत है, अंतर राक्षस का मर्दन होना ही पड़ेगा, ये बात सत्य है, क्योंकि आप शक्तिशाली हो, राक्षस आपके स्तर के शक्तिशाली नहीं है, वो डरा डरा के आपको लगता है कि आप कमजोर हो, पर आप हो शक्तिशाली, एक्चुअली आप में आत्मबल ज़्यादा है, राक्षस भय का डर दिखा रहा है आपको, मतलब डरा डरा के मारना चाहता है, लेकिन आपके पास आत्मबल है, बिल्कुल सही है कि अंत में उसे मारना पड़ेगा। और वो राक्षस बैठा कहाँ है? वो क्या कहता है राक्षस, जो जाने नहीं दे रहा? क्या होता है? मन नेगेटिव साइड जाता है। हाँ, मन नेगेटिव साइड जाता है। वही राक्षस है। वही राक्षस है। ओके ओके। तो हम उसको मार दें, मतलब हम उसमें रुके नहीं, हम उसके बारे में विचार ना करें। दिल में रहे, हृदय में रहे, और मन की तरफ हो जाए। ओके। मतलब ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, पहले सारी कोशिश करो, फिर अंत में क्या करना पड़ेगा? राम नाम सत्य है, है? राक्षस का अंत करना पड़ेगा। अंत करने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही मर जाएगा। आप एक बार पक्का तो हो, वैसे ही आराम से बहुत सारे राक्षस मर जाते हैं ऐसे। अच्छा, एक बहुत कॉमन से फैक्टर है, चलो आप बताओ पहले, और क्या अपने आप से बताओ कि हमारे जीवन में ये बाधा आती है, हम उसको टैकल नहीं कर पाते या कैसे करते हैं, इस पर कोई बात करे, कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन।
रूटीन लाइफ में है या ध्यान के उत्थान में अड़चन है, ध्यान के उत्थान में जो अड़चन होती है, कोई है आपके निगाह में ऐसी अड़चन जो अक्सर तंग कर, एक एक करके बताओ, उसमें सब बातचीत कर लेंगे। नहीं नहीं बता रही है ये कौन सा है जी कमजोर हो जाते हैं? हाँ, अपनी खुद की कंडीशनिंग, अपनी खुद की कंडीशनिंग से हमारा है कि पूरी फैमिली में अगर कहीं नहीं है हमें तो बहुत सारी चीजें बताया जाएगा, अगर हमारी कमजोरी दिख गई तो उसे लोग मतलब लेके रख देंगे, उसको दवा दवा के अच्छा अच्छा ऐसे यही करती थी तो पहले ही जानते थे ऐसा होने से ऐसे करके। इस कंडीशन में फिर हम करते क्या है? इग्नोर करते हैं, इग्नोर जैसे इग्नोर करते हैं, हमें इग्नोर ही करना होता है, अंदर की बात सुननी होती है। हाँ, क्या करते हैं? अंदर की बात सुननी होती है। अच्छा, जब आप अंदर की बात सुनने योग्य हो तो फिर तो आप बाधा होती ही नहीं कोई। हाँ। तो कहाँ है बाधा? बाधा तो है ही नहीं, वो बाधा नहीं है बेसिकली, वो हमारी एक तरीके से समझ है। बाधा तो वो है कि भाई कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है तो वो बाधा लगती है कि हमें क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो हमारा नज़रिया है उसे, इसके कारण से हमें बाधा नज़र आ रही है वो चीज़। आप नज़रिया बदलो, बाधा तो थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी बाधा। कभी कभी फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि ये सहजोग में है कि ये एक बेबी बन गई है, और इनको जो है हम कुछ भी करें मगर इनको मीठा ही बोलना है, और ये बिल्कुल प्यार बताती रहे हैं और हम जो मर्जी मनवाएं उसमें अगर हम लोग रोक लगाते हैं तो सीधे सीधे बोलते हैं ये देखो सहजोगी है, ये सहजोगी, ये अपने आप को सहजोगी बोलते हैं, ध्यान करती है। हाँ, तो फिर हम भी बोल देते हैं, हमने कहा ऐसा है भगवान ने जो है ना सांप को भी ये बोला है तुमको फुकारना, काटने तो मना है, फुकारने का नहीं बोला है, सहजोगी का मतलब हमको ये नहीं है कि अगर आप गलत बात बोलेंगे हम गलत बात भी स्वीकारेंगे। बिल्कुल करेक्ट है ये बात, तो ऐसा थोड़ा सा अपना हार्श होना भी दिखाना होगा। मुझे जब ये सुनता हूँ ना, हर कोई, हर बच्चा, पति देव, हर कोई कहते हैं नहीं, वो ये चाहते हैं कि अब ये सहयोगी बन गई है तो ये दीवार पे क्या मरने से पहले ही एक फोटो टांग दी जाए, जो बोला जो जिसको बोलने का वो नहीं कुछ ना, हाँ तो नहीं बोल जो ऐसा जो हम मना नहीं कर रहे हैं दे रहा है कि गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, घर में वो है चौकीदार था, अच्छा हमने हम बार बार बोल रहे थे ये चोर आदमी है, चौकीदार जो है ये चोर है, इसको निकाल दो तो दूसरा रखो, इसको नहीं रखो घर के अंदर, या तो ये घर में एंट्री मत दो इसको, और वो बिना कहे उसको घर में एंट्री दे देते, जा तू ये करके ला, जा तू ये करके ला, किचन में चला जा, फला जा, सब कहने के बावजूद बताते बना बताने के बावजूद भी बोलते थे तुम जो है ना सुबह सुबह मेरा माथा मत खराब किया करो, हर समय सुबह सुबह ये बता देती हूँ इसलिए आज एक किलो दूध ले लिया, आज ये मलाई ले लिया, ये ले लिया, दिमाग खराब करती हूँ, उसके बाद में 50,000 रुपया दे दिया उसको। अच्छा, जिस दिन 50,000 रुपया दिया तो हमसे तो कुछ कर दिया, उसी दिन क्या हुआ कि रसोई का सिलेंडर निकाल के और गेट के बाहर ढक के रख दिया, फैमिली का खुल जाएगा, और हमारे वाले में वो लगा दिया, खाली सिलेंडर लगा दिया, तो उसका पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो हम पे डांट रहे हैं, हमको उल्टा डांट रहे हैं, बताइए ऐसा वो सिलेंडर लेके चला गया तुमने ध्यान भी नहीं करा, और फिर हमको बताया नहीं कि क्यों तुम ये ऐसा कर गया, हमने उसको 50,000 रुपये दे दिया, लड़का तुमने पूछ के दिया था क्या, ये दिमाग हमारे लिए है, हम तो पहले से गा रहे हैं, हाँ तो जो गलती खुद करते हैं वो भी हमारे को बोलते हैं कि तुम्हारी गलती।
घर के लोग ये मानते हैं मैं सहजी होने का मतलब है सब चीज डाल दो, सब चीज डाल दो, हर कोई डाल रहा जैसे कहना है। और अगर अगर आप सही को सही कहोगे गलत को गलत तो आप जो है एरोगेंट हो, आप सहजी नहीं हो सकते क्योंकि सहजी ऐसा नहीं करता है ना। श्री माता जी ने ये बात बताई है तो उस कंडीशन से थोड़ा सा होना पड़ता है, तो वो कोई बुराई भी नहीं है। तो करते हैं तो पहले तो हम डर के मारे चुप हो जाते थे, लेकिन अब हम डरते हैं। तो पहले डरते क्यों थे और अब क्यों नहीं डरते? अब हृदय में इतना ठहराव और निर्भयता आ गई है कि हम उठने में डर नहीं लगता। अब वो कहते हैं बच्चों से कहते हैं मुझे इससे बहुत डर लगता है। एक्चुअली नजर मतलब जबरदस्ती दबाता है ना तो सबसे बड़ा डरपोक होता है। एक्चुअली दबाता ही वो इसलिए अपने डर को छुपाने के लिए। जो सशक्त होता है वो शांत होता है, उसे पता है करते हैं तो ऐसे कुछ नहीं होगा, छोड़ो। बड़ा मजा आता है इस चीज़ में देख के। आपने कभी गौर किया हो कि कई बार ऐसा होता है कि सड़क के चारों तरफ आप देखो सड़क पे जैसे कभी डॉग आपने रखे होंगे जो बड़े साइज के डॉग हैं जैसे रॉटवीलर है ग्रेट डेन है, तो इन डॉग्स को ना अपना वजूद पता होता है हम कैसे हैं, उन्हें एहसास है और वो बड़े शांत रहते हैं। अब वो बाहर निकलेंगे सड़क के कुत्ते भौं 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 करने शुरू करेंगे, उनकी तरफ देखते तक नहीं है वो, ये क्योंकि वो बेचारे दूर दूर से भौं 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 करे आ रहे हैं, वो वहाँ पे 20 फीट दूर है वो पीछे पीछे भौं भौं भौं, और गलती से उसने वैसे ही मुड़ गया ना तो एकदम भाग जाएंगे पीछे को। देखा तो क्या होता है जो आक्रामक स्वभाव वाला मनुष्य है वो डरपोक है और डरने ही उसे आक्रामक बनाया है। जो शक्तिशाली है वो कभी आक्रामक नहीं होगा, वो तो शांत है। और जब कोई ज्यादा ही गलती कर देगा तो ज्यादा ही ऐसा काम कर देगा फिर उसको आंखें भी दिखा देगा, भाई बैठ जाओ भाई ऐसे मत करो वरना दिक्कत आ जाएगी। तो वो कैसे डरपोक नहीं बने आप ताकतवर कैसे हुए? क्योंकि आपके अंदर ध्यान से डिटैचमेंट पैदा हुआ, और डिटैचमेंट जब पैदा होता है तभी आप शक्तिशाली हो सकते हो, अन्यथा आपकी शक्ति तो क्षीण है। आप तो मरे डर के मारे मरे जा रहे हो, है अगर ऐसे मैंने कर दिया तो यह ऐसा ना हो ये नुकसान हो जाए, हमको कोई हमारी जो वैल्यू खत्म हो जाए, ये भय न भय जो है ना कमजोर बनाता है और डिटैचमेंट आपको शक्तिशाली बनाता है। डिटैचमेंट आपको क्या देता है? जो आप हो वो बनते हो। और भय क्या बनाता है? जो आप है ही नहीं, आपके अंदर है ही नहीं, वो आप बनने की कोशिश कर रहे हो, डरपोक बन रहे हो आप। आपके लिए शांति का मतलब डर है, और शक्तिशाली के लिए शांति का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। भाई कोई झंझट वंझट नहीं है, थोड़ा दूर रखता है डिटैच आदमी, इतनी दूर से बात करना पास बताना। वैसे प्रेम भाव से पास आ जाओ लेकिन अगर आप इस तरीके से हम पे कब्जा जमाने की कोशिश करोगे तो 2 फीट 4 फीट दूर ही रहो, हम तो दूर ही रखेंगे तुम्हें। ये ताकत है डिटैचमेंट की। जो डिटैचमेंट को समझ जाते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना अहल सही सुनो भैया वो ऐसा था ऐसा एक बाधा आ गई, क्या बाधा आ गई? वो ऐसा हुआ कि जो है ना मेहमान आ गए, हमें तो आना था भाई, ठीक है मेहमान आ गए एक आध घंटे निपटा के आ जाना बाद में कोई बात नहीं। अब मान लो आपने शहर से बाहर आना है, मेहमान आ गए, अब मेहमान आपके ऐसे हैं भाई वो जिसे कहते हैं ना वो जैसे
कोई लेडी है उसके सास ससुर आ गए अचानक, अब उसने भी टिकट बना रखे हैं बाहर जाने के लिए, अब उसका हस्बैंड भी मुंह देखेगा, उसे पता है टिकट तो मैंने ही करा के दिए, अब वो देखेगा आ गए जा रही हो, वो कहेगी हाँ अच्छा, उसका मतलब ये होगा देखो ये आ गए हैं मत जाओ। फिर कुछ ऐसे होंगे अरे आप की सेवा करनी चाहिए, समझदार स्त्री क्या कहेगी हाँ हाँ मैं तो जा रही हूँ सेवा करो, मना कौन कर रहा है। फिर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसी इसके उलट स्त्रियां भी होती हैं, जहां पे स्त्री अभी शक्तिशाली थी वहां पुरुष की स्थिति ऐसी होती है, तो ये दोनों उलट पलट चलती रहती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ ही की बात नहीं है और भी बहुत सारे हैं। कुछ के माँ बाप बड़े खतरनाक होते हैं, अब वो सहज में है बच्चा, माँ बाप ऐसे चले पड़े हैं वो करने ही नहीं देते उसे, चल ये क्या फंस गया बच्चा है, वो डर डर के कभी उसमें अलमारी में रखकर कभी कहाँ चुपचाप ध्यान कर रहा है। अब वो बच्चा कह रहा नहीं माँ बाप नहीं करने दे रहे, मैंने कहा एक बात एक काम कर, तू वहाँ पे बड़ी सी फोटो लगा के रख दे, बोले मैं तो यही करूँगा, बोले वो तो ये कर देंगे, बोले अच्छा करके दिखाओ, करके दिखा दो क्या करेंगे, कहेंगे हमारे हिसाब से चल तेरे अंदर इतना ताकत होनी चाहिए एक मिनट में घर को लात मार के निकल जा, अपने बूते पे ताकत ला, 25-25 साल के हो रहे हो तुम्हें इतने डरपोक हो कि माँ बाप जो है उल्टा पलटा कर रहे हैं आपको कहने की भी आवाज़ नहीं निकलती, आपको डर लग रहा है मेरे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे क्योंकि आपका लालच आपको कमजोर बना रहा है। एक बार प्यार से बिना झगड़ा करे प्यार से कहो अच्छा जी ठीक है आपको ज़्यादा चलानी है तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो बाहर रहूँगा अब नहीं आता, देखो उनकी हवा कैसे निकलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, पर अगर आप सत्य रास्ते पर चल रहे हो ना, सत्य पर चल रहे हो तो फिर किस बात का डर है, अगर आपको श्री माता जी पर विश्वास है कि माँ आपको सही रास्ते पर ले जा रही हैं तो फिर आप किस लिए डर रहे हो, आप अपने लालचों के कारण डरपोक हो, लालच आपको डरपोक बना रहे हैं, अपने स्वार्थ के कारण डरपोक हो। अगर आप आपने ऊपर आत्मनिर्भरता लिए हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किस बात का डर है भाई, अगर उनका घर छोड़ना है तो इसलिए थोड़ी छोड़ना है घृणा से, आप प्रेम तब भी करते रहो उसमें क्या है, उनके अंदर जो ये आधिपत्य है कि हमने कमाया है तो भाई तुम ही भोग लो इस कमाई को, तुम ही भोग लो ना, तो ये क्या होगा कि फिर वो समझ में आएगा उन्हें कि भाई इससे तो कोई लालच है नहीं। हाँ अब लालच उन्हें पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा या बड़े लोगों को या पति को या पत्नी को किसी को ये समझ में आ जाएगा कि ये लालची नहीं है और ना ही ये डरपोक है ना ही ये कमजोर है, तब समझ में आता है। माता जी आई थी दिल्ली में तो सेकंड टाइम में मिलने गई थी, जा रही थी यूरोप, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी दिल्ली की, तो बुरा मुंह बनाया, दो चार बातें भी कही, लेकिन मैंने कहा मैं मुझे तो जाना है मैं जाऊंगी, और टैक्सी करके हम लोग गए थे, गाड़ी वाली का सब चीज़ों का मना कर दिया। अब रात हो गई, हम लोगों को 12:30 बज गया वापसी में, तो ठंडा थोड़ा सा ठंडे मिलते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं इंतजार में, मेरी कुछ आदत है मैं फ़ोन नहीं करती, जब मैं आई तो मैं बिल्कुल खुमार में थी, जैसे मैं आई तो बोले घड़ी में देखा है क्या बज रहा है, मैंने कहा हाँ 12:30 बज रहे हैं, और एक बात सुनो तुमको मालूम होना चाहिए मैं किससे मिल के आ रही हूँ, किससे मिल के आ रही हूँ, मैंने कहा आदि शक्ति से, मेरा ऐसा मुँह करके देखने लगे क्या कहते हैं मेरी जो एक ढूंढने की जो एक वो थी सारी जिंदगी जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी उसको मैंने आज पा लिया है, इसलिए कृपया करके मैं कहीं भी जाऊंगी आगे से, जब भी माँ आएंगी दिल्ली या कहीं भी तो मैं जाऊंगी, और मेरे को दोबारा से कभी भी आप मना नहीं करेंगे,
ये है ठाट समझो, कमजोरी मारती है, धैर्य और शांति नहीं मारती कभी किसी को। तो ये समझ लीजिए मंदिर था, तो मैं लगाती थी जैसे थे कि जॉब जो मर जाओ मुझे बुला रहे हैं, मैं भी कैसे कहती थी मैं उनका काम करना पड़ता है, मैं बस की नहीं है, सुबह आप लोग तुम मुझको भेज दो, आप बच्चों कह देते हैं तुम कह देते हो हाँ भेज दो ठीक है, मैं कहा लेकिन आप मेरी माँ का दीवा कौन जलाएगा, मैं कैसे जाऊँगी, मैं माँ का दीवा जलाऊंगी, जलाती हूँ रोज पूजा करती हूँ, बोलो जब पूजा करने तक मुझे आती नहीं है, लेकिन ये वादा करता हूँ माता दीवा मैं दो का वादा कर दो तब जाऊंगी। तो मैं सब लोगों से पूछ लूंगी, कहने का देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बात पक्की है, जिस चीज का वादा कर हाँ झूठ नहीं बोलते हैं, एक बार तो मैं भी मिला हूँ। हाँ तो रोज सर्वेंट से कहते थे वो भी नहीं लगा के बस माचिस से वो रख देते हैं, माचिस से जला के आते थे दीवा जला देते थे, कहते थे जो हो माता दी पत्नी की माता दी पत्नी की माता जी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि भाई अब कुछ त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कमजोर हो तो आप ठिठकोगे नहीं भाई त्याग नहीं कर सकते हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, उस क्षण आप ये भूल जाते हो कि आपको श्रीमाती अपने चरणों में ले चुकी हैं, याद नहीं रहता उस वक्त, अब दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, एक आफत हो जाती है दिमाग चला चला के, और फिर उसके बाद इतना बड़ा बंडल हमारे सर पे चढ़ जाता है हम थक जाते हैं। एक बात सरल है, जब हम धरती में पहली बार जन्म हुआ हमारा पहली बार, तो किसने हमें धरती पे भेजा, परम पिता परमेश्वर ने महादि शक्ति ने बनाया भेजा, पहली बार जब फर्स्ट टाइम हम धरती पे आए होंगे तो उन्होंने तो हमारा सारा सिस्टम पहले से ही देखभाल करके भेजा है, ऐसे थोड़ी भेज दिया कि जाओ भाग जाओ, ऐसी अरेंजमेंट करा है हर चीज़ का, और अपने समय पर हर चीज़ प्राप्त भी होनी है जो हमारे को उपयोगी होगी, उपयोगी जो हमारे लिए होगी आध्यात्मिक रूप से उपयोगी होगी, और आध्यात्मिक रूप से उपयोगी होने के साथ साथ हमारे जीवन यापन का भी उसमें व्यवस्था होगी जो पहले से पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमको कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, जो पंडित तेजस ने कहा था ना कि हम मेहनत करने से नहीं बचे, बस मेहनत अपनी जगह करें बाकी सम्मान देखें, तो हमारे पे व्यवस्था कर रखें। जब श्री माता जी ने ये कहा है हम सबसे कि आपको बच्चों मैंने पुनर्जन्म दिया है, आपका दूसरा जन्म है, ये सेकंड बर्थ है आपका ऑलमोस्ट, तो जब ये आपका दूसरा जन्म है तो पहले वाले जन्म की सारी चीजें बदल गई हैं ना, बदल रही हैं, बदल गई हैं, बदल जाएंगी, विश्वास रखिए। उन्होंने पुनर्जन्म देकर भी हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर रखी है, हमको भय की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहते हैं हमने पीड़ा सही है, तो हमने अपने पूर्व संस्कारों के कारण पीड़ा सही है, जो हमारी सोचें थीं, जो हमारी मान्यताएं थीं, जो हमारी धारणाएं थीं, वो टूटी तो हमें पीड़ा हुई। अगर आप चिंतन करके एकदम डिटैच होकर चिंतन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि माँ ने माँ आदि शक्ति ने हमारा कल्याण ही किया है, दुख देकर भी हमारा कल्याण किया है, अंततः दुख देकर भी, पर उन्होंने हमें दुख नहीं दिए, वो हमारे संस्कारों ने हमें दुख दिए, हमारी पूर्व कंडीशनिंग ने हमें दुख दिए, हम पे दुख नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे सहजी हैं जो पूर्व संस्कारों से बाधित हैं, और वो जब प्रभावशाली पदों पर आते हैं तो वो अन्य सहजियों को बहुत दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, क्योंकि पूर्व संस्कार उन पर हावी हैं और पद पर आ गए हैं, अब उनके हम उसमें थोड़ा अधिकार आ गया है, तो अब साथ में जो आम टाइप के सहजी ना, आम जनता आम सहजी, उनको पीड़ा देते हैं क्योंकि उनके संस्कार छूटे नहीं। तो ये संस्कार बहुत जड़ होते हैं, बहुत पुराने और बड़े सख्त टाइप के होते हैं कि वो हिलते नहीं हैं,
और आत्म साक्षात्कार के बाद भी माँ के श्री चरणों के बाद भी हमारे ऊपर हावी रहते हैं, उससे वशीभूत हो गए हम अपने सहजी जो हमारे इतने नज़दीक है, इतने नज़दीक है इससे नज़दीक कोई नहीं होता, उसे भी कष्ट देते हैं अपने वो पुराना वाला अहंकार, पूर्व जन्मों का अहंकार हमारे साथ आज भी है, परिवर्तन नहीं आया हमने करना भी नहीं चाहा परिवर्तन, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ है, इन्फ्लुएंशियल है, अब आप पुराने सहजी हो गए हो, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि देखो एक बहन कैसे कह रही है, कितनी दुखी है कि कितना परेशान कर दिया, और उस बहन को ये कह दिया तो अपवित्र है, किस आधार पे कह दिया भाई, श्री माता जी के सामने बैठी हैं वो, कह तुम अपवित्र हो, तुम दूर रहो, ऐसे कह दिया, किसको अधिकार दे दिया श्री माता जी ने, ऐसा कैसे अधिकार बना, अधिकारी बना दिया श्री माता जी, जिसको श्री चरणों में लाए हैं कुछ सोच के लाए हैं ना वहाँ उनके कल्याण करने के लाए हैं, तो हम उनको डिस्कार्ड करने वाले कौन हैं भाई, हु आर वी टू डिस्कार्ड, हम उनको अपमानित करने वाले कौन होते हैं, कौन है अपमानित करने वाले, हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है जो हम किसी को अपमानित कर रहे हैं इस तरीके से कहकर, और हमको एक साधारण शिष्टाचार भी नहीं आता, हमें सम्मान करना नहीं आता एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति, और वैसे हम सहजी होते हैं हम सम्मान करना तक नहीं जानते, हम कहते हैं हम ये हैं संस्था में, हम ये हैं, हम पुराने सहजी हैं, तो इसका मतलब हमें बदतमीजी करने का अधिकार मिल गया है, बदतमीजी करने का दूसरों के साथ में, किस आधार पे कि सामने वाला आपको ये मानकर आपका सम्मान कर रहा है कि आप भी श्री माता जी के बच्चे हो, और उस सम्मान की जगह आप उसे दे क्या रहे हो, हिकारत भरी हे दृष्टि से देखते हो, ऊंच नीच करते हो, भेदभाव करते हो, अमीरी गरीबी देखते हो, चाहे कोई हो, पुराना हो, कुछ भी हो, अगर जो ये करता है वो 100% श्री माता जी के विपरीत कार्य करता है। ऐसे अक्सर आए दिन फोन आते रहते हैं जो इस प्रकार के सहजियों के सताए हुए लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके अक्सर फोन आते हैं, अभी आपके सामने ही आया था, आपने भी देखा कितना गंदे तरीके से बात की हुई है। तो क्या हम श्री माता जी को मानते हैं तक श्री माता जी ने हमें बदतमीजी सिखाई है, तहजीब नहीं है हमारे पास जरा सी भी किसी से बात करने की, हम स्त्री पुरुष से बात करने में तहजीब नहीं समझते कि पुरुष को स्त्री से कैसे बात करनी चाहिए, या स्त्री होते हुए भी किस प्रकार से अन्य लोगों से बात करनी चाहिए, क्या हम भूल गए हो, हमें एक मानव होने का सम्मान भी भूल गए हम, हम इतने बड़े सहयोगी हो गए हम पे सम्मान ही नहीं है किसी के प्रति, हमने अपने आप को इतना ऊंचा मान लिया, जो माँ सत्य साधकों को प्रणाम कहती हैं साधारण मानवों के सामने आकर उनको सम्मान देती हैं शिवाते ही, और हम जो है एक ऐसे सहजी बन गए, हमारे एक से बदतमीजी से ही पेश आते हैं, किसी को कुछ भी टैग लगा देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, तेरे भूत चिपट गया, तेरे चक्रवादित हैं, उस गंदे तरीके से बात करते हैं, उनको हड़काते हैं, क्या हम सहजी हैं, ये प्रश्न है एक। और जो ऐसा करते हैं वो अपने अंदर झांक के देखें कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप सब लोग, और जो ऐसा सहते हैं वो भी अंदर झांक के देखें, एक तरफ आप माँ आदिशक्ति का जयकारा लगाते हो, फिर आप इतने डरे सहमे से क्यों रहते हो, और किससे, अपने ही भाई बहनों से डरे हुए हो, चिमाते ही ने कहा ना आपके भाई बहन शस्त्रार से जन्मे, उनसे डरे हुए इतने हो कि वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे, जिसकी संरक्षक ही का जिसका संरक्षण सीमा आदि शक्ति स्वयं कर रही है, और आदि शक्ति का एक बच्चा दूसरे बच्चे को बिगाड़ देगा कुछ, क्या श्री माता ये सब होते हुए देख लेंगी, अगर आपके अंदर शक्ति है अब आपका विश्वास पक्का है तो आपको कोई टेढ़ी जुबान से बात भी नहीं कर देगी हैसियत रखता, चाहे वो कितना ही बड़ा सहजी हो, अगर कोई बहुत अच्छा सहजी है तो वो और हम्बल होना चाहिए ना, और भी ज़्यादा उसके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए परमेश्वर जी के प्रति, और भी उसका हृदय खुला होना चाहिए, अगर वो कहता है मैं श्री माता जी का बच्चा हूँ तो दिल में गुंजाइश तो हो हर प्रकार के सहजियों को अपने हृदय में समाने की, प्रेम हो उसके लिए, तो इसीलिए इसी प्रकार से घर के लोग होते हैं, घर के लोग ना वो ये देख लेते हैं आप उन पर निर्भर करते हो, बस यू आर स्लेव आइदर मेल और फीमेल, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ऐसा भाव नहीं रखती, स्त्रियां भी पुरुषों के प्रति रखती हैं, पुरुष भी स्त्रियों के प्रति रखते हैं, इनमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड ये करता है कि
सामने वाला कितना गुलामी करना पसंद करता है उसी हिसाब से उनको टॉर्चर किया जाता है। तो अब ये शिमाते के साथ चलने में ये बाधाएं रोज आती रहती हैं, पर वो बाधा है ही नहीं, मुझे बाधा ही नहीं लगती। जो लोग इसे बाधा कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी शिमाते जी कौन है। शिमाते जी ने आपको क्या दिया है आपको मालूम नहीं है। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बाधा बताते हो। वास्तविक बाधा क्या है? वास्तविक बाधा ये है कि हम शिमाता जी के संरक्षण को छोड़कर किन्हीं विकल्पों में चले जाते हैं। माँ के पास तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, पर हम माँ को छोड़ जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा वो फला फला आदमी बता रहा था उसकी सलाह मान लें, हम जो है फला फला बातों की मान लें, तो वो माँ से दूरी कर दी हमने। तो ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है, अन्य लोग हमारी बाधा नहीं है। हम स्वयं अपनी नजरिए के जरिए अपनी बाधा स्वयं है। एक बार शक्तिशाली बनकर खड़े होके तो देखिए क्या कर लेगा कोई आपका, क्या कर लेगा कोई आपका। मुझे कपूर अंकल की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। कपूर अंकल बहुत अच्छे इंसान है। तो क्या हुआ था, शुरू में कुछ झगड़ा वगड़ा चला ट्रस्टों के बीच में, तो वहाँ पे जो है प्रतिष्ठान जो है किसी दूसरे ग्रुप ने कब्जा कर रखा था, ऐसा कुछ ग्रुप का चक्कर था वहाँ पे। तो जो प्रतिष्ठान था वो नेशनल ट्रस्ट के अंदर में रहा होगा, जैसा भी होगी उसकी डीड वगैरह मुझे नहीं मालूम। तो कपूर अंकल अकेले गए थे, एक सहेली शायद होंगे उनके साथ। तो वहाँ पे लोग लड़ने मरने को तैयार थे, तो अंकल ने उनसे ये कहा था भाई आप मुझे मार दो, मुझे तो कोई डर नहीं है, माँ जाने। और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी एक शब्द बोलने की, और विनम्रता से उन्होंने कहा था आप मुझे मार सकते हो ना, मार सकते हो, मार दो। विश्वास की शक्ति थी, माँ पे अगाध विश्वास रहा उनका, डरे ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर वैसे दूसरा इस्तेमाल करते तो उनका इतना बड़ा पद है, वो दो मिनट में अपनी यूनिट को फ़ोन करते और वो ठोक पीट के चले जाते। पर एक सहजी का ये कार्य नहीं है ना मारपीट करने का। एक फ़ोन पर उनके चार गाड़ियाँ आती और आर्मी वाले आते, जो बदतमीजी कर रहा था उसे उल्टा टांगते तो और उसे सही बता देते। लेकिन वो एक सहजी है, शिमाते के बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं करा कभी। इतने हम्बल, इतने विनम्रता से बात करते हैं वो इस तरीके के मैटर में। अब उनको जो शिमाते ने अंदर से दिया है वो तो वही चीज़ पे चलेंगे ना। मेरे को दिया है, आपको दिया है, सब आप हम सब अपने अपने स्तर से चलते हैं ना। तो लेकिन इतना देखो, इतने अच्छे स्तर पे होने के बाद भी एक अच्छा इंसान होना और साथ में शिमाते का बच्चा ही बनना, उसमें कितनी अच्छी बात है ना। तो उन्होंने डर ही नहीं है, क्या कर लेंगे मेरा, ये मार देंगे बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट आता है कि हम डाइंग इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, हम मरने को तैयार बैठे हैं, और मरने से ज़्यादा बड़ी कोई सीवियर घटना तो है नहीं। अंत क्या है एक जीवन का? मृत्यु। जब मृत्यु की तलिए कोई इंसान तैयार है तो भी सर खोने का किस चीज़ का भय है? जब अपने जीवन को खोने को कोई तैयार है तो उसे कोई भय नहीं रहता। और अक्सर अक्सर मेरे अंदर से भी यही आता रहता है, जब कोई विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो सबसे और भी लोग परेशान, तो मैं कहता हूँ भाई परेशान क्यों हो रहे हो, आज भी मरना कल भी मरना, अब पता नहीं कब मरेंगे लेकिन आज से ही तैयारी कर लो। मर सकते हो, आज भी मर सकते हो, शाम को मर सकते हो, सुबह मर सकते हो। अब जब आप मरने की फीलिंग के साथ रहोगे तो भय तो नाम है की चीज़ रही नहीं है। भयभीत कौन होता है? जो जीना चाहता है। जो मरने को तैयार बैठा है वो आत्महत्या नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहता है ठीक है अगर मेरी मृत्यु आज इसी क्षण अभी आएगी तो उसके अंदर तो भय है नहीं, अब उसको किस चीज़ के छोड़ने का भय होगा बताइए। तो निर्भयता का एक बहुत सुंदर रास्ता है कि हम मृत्यु के लिए सदा तत्पर रहें, तैयार रहें कि कब श्रीमाता जी इशारा करें बेटा तेरी जो सोल है अब मैं लेने आई हूँ। हम सहर तैयार हैं, माँ ठीक है ले जाओ, हाँ इसमें कल्याण होगा हमारा। अगर आप आज ले जाओगे तो भी कल्याण होगा, आप 100 साल की उम्र में ले जाओगे तब भी हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम तो आपकी इच्छा पर संचालित हैं। ये जो दूसरा जीवन है ये आपने दिया है, अब इस जीवन की तो मालकिन आप हैं, तो हम किस चीज़ से भयभीत रहें, आखिर कौन सा दिमाग चलाएं, कैसे करें? तो निर्भयता का जो एक तोड़ है ना, निर्भयता का एक सबसे सुंदर तोड़ है मृत्यु के लिए तैयार रहना। आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता।
अब देखो एक निर्भय ऐसे भी वर्ग है जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, वो भी निर्भय वर्ग में आते हैं और अपने शरीर पर बम बांधकर आत्मघाती हमलावर होते हैं, वो अपने को उड़ा लेते हैं, दूसरों को मार देते हैं। पर वो निर्भय तो हैं, पर उस निर्भयता का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। हमने किसी की हत्या थोड़ी करनी है, हमने लड़ाई थोड़ी करना है, हाथापाई थोड़ी करना है किसी से, लेकिन हम अपनी शान में, अपनी निर्भयता की शान में खड़े रहें और शान से जिए और शान से मृत्यु को प्राप्त हों और शान से जो है अपना सम्मान के साथ जीवन जिए, अपनी जो आत्म सम्मान है, सेल्फ एस्टीम है, उसको बचा कर रखें, उसकी बोली नहीं लगाएं। किसी भी कीमत पर अपनी बोली नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो परिवार हो, कुछ भी हो, इसकी कीमत नहीं। श्रीमाते का लेक्चर मैंने सुना था, उसमें कहा अपने आत्म सम्मान की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, श्रीमाते के शब्द में। उन्होंने कितना सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण किया है, चाहा है कि ऐसे सुंदर व्यक्ति के शैली बने जो निर्भयता की मिसाल हो और जो आक्रामक भी ना हो, ना तो वो आक्रामक हो ना ही वो डरपोक हो। तो ये कभी होगा जब आपको जीवन से डिटैच हो, अपने जीवन की चाह से डिटैच हो, तो आप शक्तिशाली हो। यू आर डिटैच फ्रॉम योर लाइफ। ऐसे ही मेरे जो दामाद मेरे हस्बैंड ने मेरे से आर्गू किया, लोगों को थोड़ा सा ये डर था कि मेरी जो मदर है तो वहाँ को फूल जो है गाँव जो है तो उसमें मेरे फादर ने उनके नाम में जो जमीन करी थी 50 लाख की वो डोनेट कर गई ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए। अच्छा, तो मेरे फैमिली वाले मेरे घर वालों को ये घबराहट हुई कि ये भी उसी राह पे चल गई है। अच्छा, आप मैं हाँ। तो उन्होंने कहा, वो बोले मेरे दिमाग ने ये कहा कि मम्मी जो ये आप बात बोल रही हो निर्मला माता जी के लिए कि ये आदि शक्ति है, ये भगवान है, तो मैं तो जो है किसी भी इंसान को भगवान नहीं मान सकता, आखिर ये साकार रूप में हम जैसी ही तो है। तो मैंने ये कहा, मेरे हस्बैंड जी बैठे थे, तो मैंने कहा एक बात बता दी, श्री कृष्ण ने उस जमाने में गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को और अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो सिर्फ एक अर्जुन थे जिन्होंने उनको पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना था, वो आग सिर्फ अर्जुन को दी थी। तो तुम कैसे समझ सकती हो कि क्या नाम मैं जान रही हूँ, मैं पहचान रही हूँ कि वो क्या है, और नहीं पैसे की बात, मेरी माँ ने तो पैसा मांगा नहीं, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे पैसे का कोई मुद्दा नहीं है, मेरे नाम में कुछ भी है उस पर पहले से दस्तखत करा लीजिए आप, जिससे कि मेरी प्रॉपर्टी लेके छोड़ दो मुझे, सस्ता सौदा है और सच्चा सौदा है, बस मैं तो बहुत दिन जी अब मुझे छोड़ दो, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं एक दिन घर से निकल के चुपचाप चल जाऊँ, उनको बताऊंगी नहीं बताऊंगा, शांति से मेरे संग में एडजस्टमेंट कर दोनों चुके। ऐसी अपने जीवन में ऐसे घटनाक्रम आते रहे तो नज़दीकी लोगों से मैंने कहा, जो खून के रिश्ते होते हैं, मैंने कहा ना खून भी वही पीते हैं अक्सर, और प्रत्यक्ष उदाहरण है नज़दीकी बहुत सारे लोगों का। तो हमने उनसे एक बात कही, देखो ऐसा है आप हम पे अपना हक जताते हो, बिल्कुल जायज़ है, ये जो एक शरीर है ना, ये जो शरीर है और इस शरीर का एक नाम है, उस पर आपका हक है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो है उस पर आपका हक नहीं है। और ये शरीर आपके लिए पूरी जिंदगी सब कुछ करेगा, क्योंकि वो शरीर एक कर्तव्य निष्ठ का शरीर है और कर्तव्य के प्रति वो जागरूक है शरीर, लेकिन इसके अंदर जो शरीर के अंदर है उस पर किसी का हक नहीं है सिवाय परमेश्वरी के, और आप परमेश्वरी हो नहीं, तो लिहाजा ये इसके अंदर जो है शरीर के वो आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं तो मजदूर हूँ, सेवा कराते रहो, करता रहूँगा, पर जितना मजदूरी का एक समय सीमा है उसके अंदर ओवर टाइम में करता नहीं हूँ।
वो जो इसके बाद का समय है वो मेरी माँ का है जिसने मुझे धरती पर जन्म दिया है, जिसने भेजा है मुझे संसार में, बाकी समय उसका है। और कुछ समय है इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये शरीर आपकी सेवा करता रहे निरंतर। और कोई इस सेवा से आपको कोई कष्ट हो तो बता दो, बोले नहीं कोई कष्ट नहीं है, जो जो इस हो रहा करते हो तो हमें तो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है, गर्व करते हैं। मैंने कहा तो बस यहीं तक सीमित रहो ना, आपका मेरा तो शरीर का रिश्ता है, जिस दिन आत्मा का होगा तो फिर प्रेम महसूस होगा, फिर भी आप बाधा नहीं बनोगे। अगर प्रेम आत्मा का रिश्ता बन नहीं पाया है तो भाई प्रेम नाम की चीज़ है नहीं, तो फिर रिश्ता है काहे का। शरीर का हुआ ना तो शरीर से मेरे कार्य लेते रहो, पर मेरी जीवात्मा को, मेरी चेतना को, मेरी आत्मा को छोड़ो, उसमें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और शरीर में खून है ना रिश्तों का, तो खून ले लो, दो चार छह बोतल निकाल लो, इसमें से बराबर करो हिसाब, कितना खून है बताओ, डॉक्टर से पूछ लेना कितने पे जीवित रहेगा शरीर ये, उतना उससे पहले का सारा निकाल लो, कुछ दिन में फिर बन जाएगा, और उसके बाद उसका ब्याज भी ले लो, फिर उतना ही ले लो, फिर उतना खून ले लो, और ब्याज के रूप में तो खत्म हो जाएगा ना हिसाब। और सेवा के लिए जब तक जीवित हूं ये शरीर सेवा करता रहेगा आप लोगों की, आप खून के रिश्ते हो ना, ठीक है। तो बाकी जो मेरे अंदर जो है उस पर आपका अधिकार ना था ना है ना प्रयास करना कभी। अब हम किसी को अपने यहाँ कर्मचारी रखते हैं, मान लो हमने कोई अपने यहाँ हायर किया, कोई सर्विसेज हायर की, तो उसको टाइम देते हैं भाई 8 घंटे के लिए आप हमारे लिए कार्य करोगे, वो कहेगा हाँ हाँ, पर 8 घंटे के बाद के आवर्स तो उसके अपने हैं, हम उस पर शासन नहीं कर सकते। और हम बड़े सम्मान के साथ ही करते हैं, हाँ जी ठीक है 8 घंटे के लिए आप हो। तो इसी प्रकार से जहाँ रिश्ते संसार में आए, तो संसार में आने की वजह तो ये थी रिश्तों के फॉर्म में, कि जो जीवात्माएं आपस में रिश्तों के रूप में मिली हैं वो ईश्वर की तरफ चलने में एक दूसरे को मदद करेंगी, जीवात्माओं को उत्थान में हेल्पफुल होंगी। लेकिन मोहग्रस्त होने के कारण वही जीवात्माएं शत्रु बन जाती हैं दूसरी जीवात्मा की, और ये शत्रुता इतनी बढ़ जाती है कि पूरा शासन होता है, फिर गुलामी कराने की सोच आती है। तो जो कमजोर जीवात्मा, जो जीवात्मा ऐसी है जिसका मन कमजोर है जिस देह का, तो उसके बाद उसको लगता है ये बाधा वो बाधा, मुझे तो आज तक कोई बाधा नजर आई नहीं, कोई बाधा है ही नहीं। आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि आप किस चीज का, आप कौन सा मोह त्यागने को तैयार हो, लालच त्यागने को तैयार हो, आराम त्यागने को तैयार हो, यही आपकी बाधा है। कंफर्ट, सुख साधन, मोह, तो इसको अगर आप शक्तिशाली हो, इसको त्यागने को तैयार हो, तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और आपके खून के रिश्ते जो खून भी पी रहे हैं गलती से, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी आपके जीवन में कभी दोबारा अड़चन डालने की, अगर आप ये त्यागने को तैयार हो। फिर समझ में आती है, मैं कहा भाई ऐसा है, श्री माता जी के श्री चरणों में प्रारंभिक अवस्था में कमजोर बनकर आ सकते हो, पर आने के बाद कमजोर रहो तो ये श्री माता जी को शायद, मुझे तो लगता नहीं मंजूर होगा। वो कहती हैं यू आर सोल्जर्स, आप सत्य के सिपाही हो, आपने सत्य को प्रसारित करना है और आपने हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करके मेरे संदेश को आगे बढ़ाना है। तो इतनी शक्तिशाली माँ की संतानें मरगिल्ली, कमजोर, डरपोक, कायर कैसे हो सकती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो फिर आओ मत श्री चरणों में, मतलब छोड़ दो भाई, हमसे ये नहीं होगा, हमसे छूटेगा नहीं, तो छोड़ दो। कौन सा पड़ी है, हजारों जगह खाली पड़ी है। सीमाती ने कहा था अच्छा आप छोड़ दो सही, सीट पहले से ही बुक है किसी की, कोई और चेतना आ जाएगी सीट पे। क्योंकि सीमाती के पास लिमिटेड तो सीट है, और उनकी जो चेत वो जो सीट है उन पे जो आज सीमाती अपने चरणों में लाई हैं, वो तो ये भाव में लाई कि ये बच्चे मेरे हैं, पता लगा वो बच्चे तो उनके थे ही नहीं। माँ वैसे तो बच्चे हैं, जन्म तो उन्होंने दिया है,
लेकिन इस मामले में सहज के मामले में उन्हें लगता होगा कभी कभी ये बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं, इतने मरगिले कमजोर कांपने वाले निगेटिविटी से डरने वाले भूतों से डरने वाले कहाँ से बच्चे आ गए मेरे। ये माता ही कहती है मैं तो भूत भी खाती हूँ, तुम मत खाओ भूत, पर तुम इतने कमजोर भी तो नहीं हो, सारी शक्तियाँ मेरी तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो बाधाएं 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 कर करके गाना सा बना हुआ है ना सहज में, वो सब भ्रम है, एकदम भ्रम है। कोई बाधा थी नहीं ना कोई बाधा है, ये व्यक्तिगत अनुभव है मेरे जीवन का, कोई बाधा नहीं है। बाधा तो हमने खुद तैयार की है, घर वाले ने डरा दिया ऐसा कर दूंगा आत्महत्या कर दूंगा, मैं कहूंगा अच्छा भाई मर के दिखाओ, तुम्हारे मौत आ गई होगी ऐसी मरना होगा, मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारी मौत लिखी ऐसी है मर जाओ। अरे जीना चाहते हो तो मेरे से बात करो, मरना चाहते हो तो वो ट्रेन वहां से जाती है इतने बजे जाती है, और केरोसिन भी चाहिए हो तो वहां से अरेंज हो जाएगा जो दिल करे। विधि चुनो, विधि किस चीज से मरना है, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अपनी मर्जी से मरो, अपने पैसे से खर्च करके सामान खरीदो, जहर खाना हो जहर खा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मर जाओगे तो उससे हमें क्या, हमें दुख होगा कि अरे ये मेरा नज़दीकी था, इतना कायर था जीवन भी नहीं जी सका, डरपोक था इतना, इतना कमजोर था कि सामना नहीं कर सका जीवन का, मर गया आत्महत्या करके। तो हमें तो कोई दुख नहीं होने वाला, हम तो उसका सम्मान करते हैं जो संघर्ष के साथ साहस के साथ खड़ा हुआ है। कुछ कुछ सहजी भी कहते हैं हम बड़े परेशान हैं भैया, ये है हम मरना चाहते हैं। मैंने कहा दिस इज योर चॉइस, आपकी मर्जी है, माँ आदि शक्ति आपको श्री चरणों में लाई है, अभी स्वर्ग में आके भी आप मरना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम बना ही लिया है पक्का तो मर के आके एक बार जरूर बता देना कैसा लगा, डिसीजन सही था या गलत था, मुझे पता है आप आओगे तो ही दोबारा, डिसीजन सही था बता के जरूर जाना, आपका संदेशा मैं बाकी लोगों तक भी पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं तो तब तक जीवित रहूंगा जब तक श्री माता जीवित रखना चाहती है। ना तो मुझे मरने की इच्छा है ना मुझे जीने का शौक है, सीधी बात यह है। माँ जीवन रखना चाहती है तो वो रखे, माँ कहती है बेटा तेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है तो ठीक है माँ आपकी मर्जी, हम तो अपने ऊपर निर्भर करते ही नहीं मृत्यु में, हम तो श्री माता पर निर्भर करते हैं, कब आएगी मृत्यु हो जाने, उनको पता होगा ना कब आएगी मृत्यु। पहला जो जीवन मिला था प्रारब्ध के वशीभूत होकर तो उसकी तो जन्म पत्री लिखी हुई है, उसमें संभावना लिखी नहीं है इस सन में इस अवस्था में इस स्थिति में मृत्यु होगी, एर्थ हाउस के अंदर आठवां खाना मृत्यु का एर्थ हाउस, ठीक है। अब शिमाताई ने इसमें कर दिया पुनर्जन्म, अब तो भैया उसका डेटा शिमाताई के पास है, हमारे पास पुरानी पंडितों के पास भी नहीं है, अब कोई पंडित हमारी मृत्यु का नहीं बता सकता कब मरेंगे कब जिएंगे, क्योंकि ये जो सारा डेटा है शिमाताई के पास है और हमारा जीवन भी उनके पास है, हमारी जीवात्मा भी उनके चरणों में है, हमारी आत्मा भी उनके चरणों में है, हमारा सब कुछ उनके चरणों में है। तो भाई डरते क्यों हो, आपका तो अपना कुछ है ही नहीं, आप खोना किसे चाहते हो, कोई चीज आपके पास हो जिसके आप मालिक हो उसका ही तो डर लगेगा आपको, आपके पास तो कुछ है ही नहीं तो फिर किस चीज को डरे जा रहे हो, यानी कि भ्रम में जी रहे हो कि मेरा ये है मेरा वो है मेरा वो है, कितना बड़ा भ्रम जीता है इंसान, और मरगिल्ला कमजोर डरपोक सा बना रहता कायर सा जीवन जी के मर जाता है एक दिन, फिर अगली बार छटपटाते हुए जन्म लेता है, फिर कायर बनता है, फिर मर जाता है, पूरी जिंदगी यही तो करता है मानव। या तो वो अपने डर को खत्म करने के लिए हिंसा का रास्ता अपना लेता है, इसको मार उसको काट इसका छीन इसका लूट इस पर शासन कर, या तो वो होता है, या कायर दब्बू उनके मरता रहता है, कभी आत्महत्या करता है कभी कट के मरता है कभी जल के मरता है कभी बीमारी से मर जाता है, लेकिन कमजोर मरगिल्ला सा बार बार आता रहता है। तो ऐसे भी क्या करना है भाई, जीना है तो जान से जियो, माँ आदि शक्ति की संतान हो, इतना मरगिल्ले डरपोक कैसे हो। और ना ही ऐसे श्री माता के बच्चों को संसार की कोई भी ताकत डरा सकती है, नहीं डरा सकती, क्योंकि डर आपके अंदर बैठा है इसलिए आप डरते हो, कोई दूसरा तो आपको नहीं डरा सकता किसी भी कीमत पे। अब जब इतने सारे झगड़े चल रहे थे यहाँ सीए ये वो फला फला फला, तो लग रहा था सारे में फैल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई
सारे रास्ते वास्ते बंद हो जाए। तुमने कहा देखा जाएगा, आखिरी दिन तक देखते हैं क्या होगा, टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा, हो जाएगा। यही तो कहना पड़ेगा भाई दंगों के कारण नहीं आ सके, तो कोई बात नहीं। अब वो तो एक ऐसी चीज़ें हो जाएगी, हम समझेंगे सेवा तरी आपने नहीं चाहा इसलिए दंगे बंगे होकर रास्ता रुक गया, हमारी भलाई में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी स्वीकार है। लेकिन भयभीत होकर क्यों रहा, यहाँ होगा कोई ऐसा ना कर दे वैसे ना कर दे, भाई छोड़ो इस बात को। फिर दूसरा, अच्छा वहाँ भी गुलाम थे घर में, अब सहज में आ गए, अब कुछ सहजियों की गुलामी करते हैं, वो डरा धमका के रखते हैं, अच्छा भूत पकड़ लेगा तुम्हें, ऐसा करो तुम ये नहीं करके आए हो, तुम्हारे अंदर ये घुस जाएगा, और फिर थर थर कांप रहे हैं। तो इससे एक निचोड़ निकाला मैंने अपने अनुभवों से, जो जो कायदे में डरपोक पहले से ही है वो यहाँ आके भी डरपोक ही है, उसके अंदर परिवर्तन, क्योंकि बेसिक टेम्परामेंट जो है ना आसानी से चेंज नहीं होता, बल्कि वो भय और सूक्ष्म होकर उसके अंदर घुसा हुआ होता है और महीन हो जाता है। पहले तो वो एक दो भय, एक दो प्रकार से भयभीत रहता था, अब तो श्रीमाती के लेक्चर सुन सुन के बहुत प्रकार से भयभीत रहने लगा। मैंने बहुत सारी सूक्ष्मताएं बताई, जो एक रचना है उसके अंदर ये सब है, साधकों को ये दिक्कत आ सकती है, उससे बाहर निकलना है, उससे ओवरकम कैसे करें, सब बताया श्रीमाती ने। भाई श्रीमाती ने तो सब चीज़ बताई कि आपको किस चीज़ की तो प्रिकॉशन रखनी है और किस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अब उसे ये तो पता लग गया, ये तो सुना उसने शक्तियाँ बहुत है मैं श्री माता जी की, पर साथ में वो भी सुन लिया, ये भी हो सकता है वो भी, अब तो फिर वो थक कर कामने लगा। अब वो फिर गुलाम बनता है ऐसे, तो दुष्ट प्रवृत्ति के सहजियों का गुलाम बन जाता है वो, ऐसे दुष्ट प्रकृति के जो उससे नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, वो ये सब करते हैं, उन्हें ये भी नहीं डर है कि श्री माता जी कौन है, उन्हें डर नहीं, क्यों डर क्यों नहीं है, उन्हें पता ही नहीं श्री माता जी कौन है। सच्चाई तो ये है, डर तो तब लगे जब माँ का पता हो माँ है कौन। वो तो सोचता है मैं श्री माता जी के अल्टार के सामने बैठा हूँ, सबको मैं मुट्ठी में रखता हूँ, कुछ होता तो है नहीं मुझे। तो श्री माता जी भी इंतजार कर रही है, अच्छा कर ले, तेरे ये पुण्य थे वो तेरे आड़े आ रहे हैं, और कुछ मेरी क्षमा है और कुछ मेरा प्रेम है, ये तुझे बचा रहे हैं, जिस दिन इनका कोटा पूरा हो जाएगा फिर तुझे कौन बचाएगा इस ब्रह्मांड में। मैं सजा दूँ ना दूँ, मेरे जो बहुत सारे गण देवता रुद्र हैं वो तो सजा दे अगर मानने के लिए, तो एक दिन में एक सब चीज़ धाराशाही हो जाती है। एक एक निर्भय इंसान किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है कभी कभी, कभी भाई जो घटनाक्रम घटा घटित होना है हो गया, कोई बात नहीं, चोट फेंट भी लग गई कोई बात नहीं, वो फिर टूट फूट करके खड़ा हो गया, अगर मृत्यु भी हो गई है कोई बात नहीं, वो तो फिर भी उसकी चेतना मौजूद है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी चेतना सहजी की जो निर्भय सहजी है वो फिर सीमा देगी चरणों में पूछ रहा है माँ से, माँ मेरे लिए कोई कार्य बता दूँ। तो माँ ने हो सकता है या तो जन्म दे या वो उसे सूक्ष्म अवस्था में कार्य लेती रहे, वो उनका डिस्क्रिप्शन है, हम नहीं जान सकते। उसे तो ये भी चिंता नहीं है, तो तेरा शरीर मर गया तेरा कोई बात नहीं, अच्छा है झंझट खत्म हुई, इस शरीर के चक्कर में बड़े पापड़ बेले, इसको खिलाने पिलाने स्वस्थ रखने की बड़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे को, तो अभी झंझट ही खत्म हो गया। ये फीलिंग है, ये मानसिक नहीं है चीजें। तो जो बाधा की बात आई थी, बाधा हमारी खुद से होती है, हमारी सोचे बाधा है, हमारी समझ बाधा बन सकती है, हमारी नासमझियाँ बहुत सारी बाधाओं को जन्म दे सकती हैं। एक बार सशक्त होके अपने हृदय में झांक कर देखो और कहो माँ मैं तो तेरा बच्चा हूँ, और वो शब्दों में ना हो खाली एहसास के साथ में, फिर ना तो कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई बाधा है, कहाँ है बाधा, दिखती नहीं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं माँ हमारी परीक्षा ले रही थी, माँ ने परीक्षा ली हमारी। अरे भाई ये लेम एक्सक्यूज है, ये जिंदगी जिंदगी में कोई परीक्षा वरीक्षा है नहीं एक्चुअली, घटनाक्रम लिखा हुआ है, चाहे प्रारब्ध ने लिखा हो चाहे श्रीमाताजी ने लिखा हो, उस घटनाक्रम से हमें गुजरना है। और जब घटनाक्रम से गुजर रहे होते हैं जिंदगी के घटनाक्रम से, कई बार अनफेवरेबल परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उनको देसी भाषा में या सिंपल भाषा में कहते हैं माँ तो हमारी परीक्षा ले रही है, अपने आप को झूठा आश्वासन देने के लिए, जिससे हम अपनी थोड़ी सी इज्जत बचा लें ये कहकर कि हमारी तो परीक्षा ले रही है। हाँ हाँ बड़ी बड़ी परीक्षा ली आपने,
आप तो परीक्षा में सफल हो गए। मैं सोचूं कहाँ परीक्षा थी, जब से पैदा हुआ आज तक मुझे तो कोई परीक्षा ही नजर नहीं आई है। मैं सोच रहा हूँ भगवान परीक्षा लेते हैं, कौन सी परीक्षा लेंगे, इंतजार है मुझे। किस चीज की परीक्षा लेंगे मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और विपरीत परिस्थितियां मजे से जिए, खुशी खुशी विपरीतताओं में जीना होगा, तो कहाँ है परीक्षा। परीक्षा आपके लेम एक्सक्यूजेस में है। यू आर सेइंग यू आर कवरिंग योर वीकनेसेस बाय सेइंग ओहो शिवानी परीक्षा लेनी थी मेरी। आप ये कहने का हौसला नहीं रखते मेरा जीवन ऐसा ही था, मुझे ऐसे ही जीना था। आप उसे ढकते हो अपनी उन चीज़ों से, हम सब लोग ढकते हैं उन्हें कि नहीं 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 माँ परीक्षा लेती हैं, इंतजार कर रही है माँ परीक्षा लेने में। माँ को परीक्षा लेने की क्या पड़ी है, माँ ने तो आपको कहा लो ये तुम मेरे चरणों में आए, इसी तरीके से साधना करो, और जैसे जैसे साधना आपकी गहन होगी वैसे वैसे एक एक करके मैं आपकी शक्तियां देती जाऊंगी। उन्होंने परीक्षा कब ली हमारी, जिसे हम परीक्षा कह रहे हैं वो हमारे पूर्व जीवन के घटनाक्रम है, उनके परिणाम हमारे जीवन में आ रहे हैं जो वर्तमान में हमें नकारात्मक लग रहे हैं, और नकारात्मक परिणामों के कारण हम उनको सामना नहीं कर पा रहे, और हम उनसे एक तरीके से पीठ दिखाकर हम कह रहे हैं माँ हमारी परीक्षा देती है, हमने तो बड़ी हिम्मत से जो है सामना किया है। ताकि जो सराउंडिंग में लोग हमारे हैं उनके बीच में हमारी इज्जत बनी रहे, हमारी इज्जत बनी रहे कि भाई बड़े हम साहसी हैं, हमने बड़ी परीक्षा दी है। कहाँ परीक्षा है, जैसा जीवन लिखा गया परमेश्वरी के द्वारा वैसे ही जीत रहा है। अब उसका अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है माने पुनर्जन्म दे के, अब दूसरे तरीके से लिख दिया है, अब उसमें हम चल रहे हैं, और उसमें रास्ते में सड़क टूटी है फूटी है पानी वाली मिली, हम तो चल रहा है, हमें तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा गड्ढों में से निकलने में। अगर आप गाड़ी चला रहे हो थोड़ा उछल कूद करके गाड़ी जाएगी, कूदती हुई जाएगी, शॉकर वॉकर पे लोड पड़ेगा, मिस्त्री ठीक कर देगा शॉकर वॉकर गाड़ी के, चलते रहो। कहाँ है परीक्षा। आपने देखा अरे भयंकर बारिश हुई है, तूफान आ गया है, कहीं ऐसा ना हो, ये ना हो जाए वो ना जाए, आप डर रहे हो इसलिए आपको लग रही है परीक्षा। आप नहीं डरो तो कोई परीक्षा नहीं आपके रास्ते में। मेरे को तो आज तक अभी सुना ही नहीं किसी संत ने, किसी सदगुरु ने ये कहा हो कि आप परीक्षा देते हो। सुना जसलीन तुमने गुरुवाणी में, मैं तो सुनी नहीं, मुझे तो वैसे ज़्यादा सुनी नहीं है, लेकिन मेरे को बचपन में जो कोर्स के अंदर किताबें लगी हुई थी, कबीरदास जी ने भी शायद किसी परीक्षा की तो बात नहीं करी। और ये जाना माना गया कबीरदास जी परमात्मा से जुड़ने के वो उन्होंने सारे अनुभव बताए दोहों में, बहुत सारे दोहे पढ़े, उनमें उन्होंने कोई परीक्षा का जिक्र नहीं किया। ये तो श्री माता जी हमको आश्वासन देने कहती हैं, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ मैं, जिससे हमारा माँ के साथ मेरा प्यार व्यार बना रहे, और उन्होंने लगे हाँ माँ तो देख रही है ना, माँ कहती है मैं परीक्षा ले रही हूँ, साथ में उसमें ये भी तो छुपा हुआ मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो माँ ने कह दिया बेटा तेरी परीक्षा ले रही हूँ मैं, पर हूँ तो तेरे साथ ना, जिससे घबराए ना कोई। अब जो जागरूक हो गया उसने कहा परीक्षा माँ, ये तो जीवन स्वर्ग है, आपने स्वर्ग बना दिया मेरा जीवन। गाड़ी आपकी खराब हो गई, ढूंढ रहे हो मिस्त्री को, मिस्त्री मिल गया, उसने पैसे लिए, आप कह रहे हो श्री माता जी बहुत अच्छा हुआ कर्जा यहीं चुक गया, अगले जीवन में लेके जाता मुझे दोबारा जन्म लेके आना पड़ता। ये उसको समझ आ रही है, उसे तो लगी नहीं परीक्षा है। अब वो टाइम लिखा हुआ है 8 बजे का, ट्रेन छूट जाएगी ट्रेन छूट जाएगी ट्रेन छूट जाएगी, गाड़ी लेट हो रही है, ये हो। उसने कहा ठीक है भैया, तो माँ आपकी मर्जी है, बुलाना नहीं चाह रही होंगी तो गाड़ी छुड़वा दोगी, और बुलाना चाह रही होंगी तो गाड़ी भी 2 घंटे तक रुकवाओगी। उसे विश्वास है, ऐसा बहुत बार हो चुका। कहने का मतलब यह है कि कहाँ है बाधा। इस खोपड़ी के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर एक दिमाग नाम की संस्था है, और दिमाग का छोटा सा हिस्सा है माइंड। इतना बड़ा दिमाग इतने से माइंड के कंट्रोल में आ जाता है हमारी बेवकूफियों के कारण, हमारी नासमझियों के कारण। इतने बड़े दिमाग को माइंड चलाने लगता है, कंट्रोल में लेकर माइंड डोमिनेट करता है। अगर हम जागरूक हैं तो माइंड को न्यूट्रलाइज ही रखेंगे, भाई तेरी नहीं सुनूंगा बाकी सबकी सुनूंगा, तेरी बातें सुनने लायक नहीं है,
तेरे से जब मैं इतिहास पूछूं तो बता दियो जब जरूरत होगी, वरना इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है तेरी। लगा रहे हमारे साथ, तेरा इस्तेमाल करूंगा। तेरे पास मेमोरी का डाटा है, जब मैं कपड़े खरीदने जाऊंगा तो शेड कौन से खरीदने, तेरे से पूछूंगा कौन कौन से शेड मेरे पास है, तो तू मुझे बता देगा ये शेड है, तो मैं दूसरा शेड खरीद लूंगा। मैं तेरे से पूछूंगा कल कौन सी तारीख थी, तेरे पास तो डेटा है, तू बता देगा कल ये वाली तारीख थी। इससे तेरे, इससे ज्यादा तेरा उपयोग नहीं है। ऐमन तू शांत रहा कर, वरना तेरी खैर नहीं। अब मेरे को माँ मिल गई है, या तो सीधे सीधे काबू अपना छोड़ दे अपनी जिद, वरना बस तेरा तो अस्तित्व खत्म हो गया है। अब मन भी जान गया भाई ये मेरे अब कब्जे से बाहर निकल गया है, वो भी फिर समर्पण कर देता है। ठीक है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा मन, हुजूर आज्ञा दो क्या करूं आपके लिए, क्या सूचना दूं, कौन सी चीजों की आपको जरूरत है, वो फिर वो ऐसे बताएगा। अरे मन बताइए जरा श्री माता ने क्या कहा था, मन में अंदर से मन जाएगा अपने स्टोर में निकाल के लगा ये स्टेटमेंट श्री माता ने दिया। अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान में अनुभव हो रहे थे, श्री माता ने बता दिया था ये होगा, चलो ठीक है, चल हो गया कर जा तू, तेरा काम खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना, मालिक बैठा हुआ है ऑफिस में, पीएन से बुलाता है, रामू जरा वो फाइल उठा के ला के दे, फाइल टेबल पे रख दी, अब तुम जाओ काम खत्म। तो ये मन की हालत है, और हमने मन को बना दिया मालिक। अब पूरा देश मन की बात सुनता है, झेलता है, समझ लो। समझ रहे हो मन का क्या खेल है, जो कारिंदा था उसे मालिक बना दिया, तो मूर्खता की तो हद ही कर दी ना हमने। अब मर्ग भी सोच, मन भी सोच रहा है, तेरी औकात दो कौड़ी की थी, अब देखा तेरी कैसी लॉटरी लगी है, तू मालिक बन बैठा। अब श्री माता जी के साथ में जो जुड़े हुए बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अब वो क्या कहती हैं, वो क्या कह रही हैं।